पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हुई हिंसक घटनाओं में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। बीजेपी ने सीधे आरोप टीएमसी पर लगाए हैं। ऐसे में बीजेपी ने अलग अलग राज्यों के साथ ही हरियाणा में भी विरोध प्रदर्शन कर टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जो हिंसक घटनाएं हो रही हैं, उनमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जहां एक तरफ बीजेपी ने सीधे टीएमसी पर आरोप लगाए, तो दूसरी तरफ टीएमसी ने भी बीजेपी पर हिंसात्मक घटनाओं को बढ़ावा देने के आरोप लगाए। ऐसे में बीजेपी ने अलग अलग राज्यों में विरोध जताया। हरियाणा में भी विरोध प्रदर्शन कर टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोला गया। करनाल में जिला सचिवालय के बाहर बीजेपी के 5 नेता इकट्ठे हुए और धरना देकर अपनी आवाज बुलंद की। इस धरने में सांसद संजय भाटिया भी शामिल हुए। उन्होंने पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की निंदा की और कार्रवाई की मांग की। धरना दिया जा रहा है, क्या कारण? पश्चिम बंगाल में जिस तरह की चुनाव परिणाम आने के बाद तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने जिस तरह राजनीतिक तौर पर निशाना बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया, उसके लिए हम घोर निंदा करते हैं। उनके घरों को जलाया गया, उनको जान से मारा गया, उसकी विरोध में आज यहाँ पर धरना दे। अम्बाला में भी भाजपा विधायक असीम गोयल ने ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए। जिस प्रकार से ममता जी ने चुनाव जीतने के बाद उनके गुंडों ने बंगाल के अंदर सुनार बंगला बनाने की बजाय जो खूनी बंगाल बनाने का काम किया है और जो एक हत्याओं का खेल चालू किया खेला हुए जो उन्होंने कहा था, उसके विरोध के अंदर आज पूरे देश भर के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के निर्देशों के ऊपर 5-5 लोग जिला मुख्यालयों के ऊपर धरना दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम बाड़ा में सब 5 लोग बैठे हैं। तो वहीं पंचकुला में केंद्रीय राज्य जल शक्ति मंत्री रतनलाल कटारिया की अध्यक्षता में पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर धरना दिया गया। देखिए, लोकतंत्र के अंदर जीत हार चलती रहती है। ममता जी की जीत हुई है, जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है उनको उस विश्वास के अनुसार जनता की सेवा करनी चाहिए। लेकिन ममता जी ने उल्टा हिंसा का तांडव पश्चिम बंगाल में शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं शुरू कर दी। यमुनानगर में विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव में और चुनाव के बाद लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। ऐसे बंगाल में चुनाव में और चुनाव के बाद भी लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, उसके विरोध में सारे भारतवर्ष में आज भारतीय जनता पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। हम यमुनानगर में कोविड के नियमों का पालन करते हुए, लॉकडाउन की जो शर्तें उनका उल्लंघन ना करते हुए, प्रमुख कार्यकर्ता आपके सामने गिनती में है, उसके विरोध में धरने पर बैठे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से ममता बनर्जी पर गुंडागर्दी के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने भी भाजपा पर हिंसात्मक घटनाओं को बढ़ावा देने के आरोप लगाए हैं। देश में पहले से ही कोरोना से स्थिति खराब है, ऊपर से ऐसी घटना चिंताजनक है। स्पेशल डेस्क खबर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।